सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी KR वर्जन की जो है ID शो करने वाला हूँ। इसमें आप लोगों को मैं अपनी इन्वेंट्री दिखाने वाला हूँ कि मेरी इन्वेंट्री में मुझे कौन से आउटफिट मिले हैं। ये वाली इन्वेंट्री जो रहने वाली है, ये बिल्कुल ही फ्री वाली इन्वेंट्री रहने वाली है मेरी। इस वाले ID में मैंने एक भी रुपये आज तक के कभी स्पेंड नहीं किए हैं। इसमें जितने भी आउटफिट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेजेंडरी, मिथिक, सब कुछ मुझे फ्री में मिला है क्रेट ओपनिंग के थ्रू। एंड जो हमारी कॉइन्स वगैरह के थ्रू क्रेट ओपनिंग होती है, उन सब में मुझे ये सभी चीज़ें मिली है। सो वही मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में शो करने वाला हूँ। बिकॉज इस टाइम पे मेरे पास कोई टॉपिक वगैरह खास नहीं था वीडियो बनाने के लिए, सो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने KR वर्जन को फाइनली 2 साल बाद ओपन किया जाए एंड उसकी इन्वेंट्री आप लोगों को शो की जाए। तो ये वाली वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी इन्वेंट्री फुल शो करने वाला हूँ। एंड अगर आप लोगों को मेरी ग्लोबल ID यानी कि BGMI की ID की भी इन्वेंट्री का शो चाहिए, सो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं दिखाऊं तो कमेंट करके जरूर से बताना, उस पर भी मैं अगला वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक है जिस पर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की जरूर से ट्राई करूंगा। तो चलो ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो फाइनली मैंने ओपन कर लिया KR वर्जन। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी ID शो कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग इन्वेंट्री की तरफ चलेंगे। सो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें एस्पायर डीएस नाम तो याद ही होगा भाई, जो मेरे बहुत ज़्यादा पुराने सब्सक्राइबर है। बिकॉज BGMI के आने के पहले मैं जो है PUBG मोबाइल KR खेला करता था, एंड उसमें मेरी ID का नाम था एस्पायर डीएस। एंड ID वगैरह आप लोगों को दिख गई होगी स्क्रीन पर, अगर आप लोग रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। एंड ये रही भाई मेरी इन्वेंट्री जो कि अभी आप लोगों को दिख रही होगी। सबसे पहला सेट हमारा निकल के आता है चार्ज्ड आर्मर सेट, एंड ये मेरा मोस्ट फेवरेट सेट है आज तक का। जितने भी सेट्स PUBG मोबाइल में आए हैं उसमें से सबसे फेवरेट मेरा चार्ज आर्मर सेट है। एंड ये मुझे एक ही बार में निकला था जब मैं इसकी क्रेट ओपनिंग कर रहा था। इसकी क्रेट ओपनिंग मैंने वैसे भी नहीं करी, मेरे पास बस एक दो क्रेट पड़े थे तो मैंने ऐसे रैंडमली खोल दिए थे, जिसमें से एक क्रेट में ये मुझे मिल गया था। उसके बाद आता है हमारा ये कोई मेड वाला सेट है, मुझे नहीं पता है कब मुझे मिला, एंड मैंने इसे कभी पहना भी नहीं है, बट भाई मिथिक है तो पड़ा है बस। उसके बाद ये वाला सेट आता है, इसे भी मैंने एक दो मैचेस में पहना होगा जब ये शुरू में निकला था, बट उतना ज़्यादा मुझे खास नहीं लगा तो ये भी मेरी इन्वेंट्री में ऐसे ही पड़ा है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे ये वाला जो सेट है, ये है हमारा ये वाला जो आउटफिट है, ये एक यानी कि लिमिटेड टाइम वाला आउटफिट था। एंड ये इसके साथ एक इमोट भी आया था जो कि मैं अभी आप लोगों को शो कर देता हूँ। सो ये वाला है इस वाले आउटफिट का इमोट, बहुत ही सही आउटफिट लगा मुझे, एंड इसे भी मैंने बहुत ज़्यादा दिनों तक के पहना है। एंड चार्ज आर्मर सेट के अलावा मैंने इसी आउटफिट को पहना होगा, अगर किसी आउटफिट को मैंने पहना है तो। उसके बाद ये वाला सेट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्वाइलाइट गोल्डन सेट, एंड इसे भी मैंने बहुत ज़्यादा मैचेस में यूज़ किया है। उसके बाद आप लोगों को कुछ लेजेंडरी आउटफिट्स देखने को मिल जाएंगे मेरी आईडी में, थोड़े बहुत लेजेंडरी आउटफिट्स में, जिसमें मुझे एक दो ही पसंद है, बाकी सब ऐसे ही पड़े हुए। ये वाला थोड़ा ठीक ठाक मुझे लगता है, बट मैंने इसे कभी ज़्यादा नहीं पहना है। उसके बाद ये वाला जो सेट है, ये भी थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे, बट मैंने इसे भी ज़्यादा नहीं पहना है, बट क्योंकि अजीब ही लगता था भाई, स्पॉट जल्दी हो जाता था इससे, मैं इसलिए मैंने इसे ज़्यादा मैचेस वगैरह में नहीं पहना है। उसके बाद ये ब्लैक वाला आउटफिट, ये भी सिंपल ही लगता था। इसके बाद कुछ और आउटफिट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, बट मेन वाले मैं आप लोगों को पहले शो कर देता हूँ। तो ये वाला जो सेट है, ये मेरे यानी कि जब मैंने KR शुरू में खेलना चालू किया था, तो उसमें से एक सेट में मुझे ये मिला था, एंड ये वाला सेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा मैचेस इस वाले आउटफिट से खेले। एंड देखा जाए तो मेरा जो चार्ज आर्मर सेट है, उसके पहले मैं इसी वाले आउटफिट को यूज़ किया करता था उसके पहले। उसके बाद यहाँ पर ढेर सारे लेजेंडरी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आप लोगों को एक एक करके शो कर देता हूँ। और ये वाला जो आउटफिट है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने इसे भी बहुत ज़्यादा मैचेस वगैरह में यूज़ किया। ये वाला आउटफिट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सिंपल से आउटफिट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे दो लेजेंडरी के बाद में, जो कि आप लोगों को दिख रहे होंगे। एंड इनमें से मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि मुझे कौन से आउटफिट्स पसंद थे एंड मैंने किन्हें यूज़ किया है। तो ये वाला आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा मैचेस वगैरह में यूज़ किया है। एंड एक आउटफिट और है जो कि मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, तो ये वाला है वो आउटफिट जो कि मैं जिससे भी मैंने बहुत ज़्यादा मैचेस में यूज़ किया है। एंड एक सीज़न वाला आउटफिट भी जो है जो मैंने मैचेस में यूज़ किया है, वो भी मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। सो ये वाला आउटफिट भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, जो सीज़न 19 में आया था। एंड बस इतने ही आउटफिट्स आप लोगों को मेरी आईडी में देखने को मिलते हैं इस वाली में। एंड इसके बाद मैं फटाफट से जो है आप लोगों को हेलमेट वगैरह शो कर देता हूँ।
सो अगर हम लोग बात करें हेलमेट्स की, तो हेलमेट भी मुझे ढेर सारे मिल रखे हैं एंड 6 हेलमेट आप लोगों को टोटली मेरे आईडी में देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो पहले नंबर का हेलमेट है जो कि अभी इक्विप्ड है, इसे ही मैंने सभी मैचेस में यूज़ किया है बिकॉज मुझे यही वाला पसंद था। बाकी जो हेलमेट मुझे ऐसे ही लगते थे एंड जो लेजेंडरी नहीं है उन्हें यूज़ करने का तो भाई कोई मतलब नहीं है बिकॉज वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं थे। सो बस जो पहले नंबर का हेलमेट है उसे ही मैंने भाई सबसे ज़्यादा मैचेस में यूज़ किया है। इसके बाद अब चल लेते हैं हम लोग कैप्स की तरफ। तो यहाँ पे हैट वगैरह मुझे ढेर सारी देखने को मिली, बट मुझे पसंद जो थी जो पहले नंबर पे आप लोगों को हेड दिख रही जो लेजेंडरी नहीं है, सिंपल हैट है, बट मैंने इसे ही सबसे ज़्यादा मैचेस में यूज़ किया है, यही मेरी जो आउटफिट है मेन आउटफिट उसका हिस्सा थी। बाकी सब मुझे ऐसे ही लगते थे। बाकी ये एक लेजेंडरी और एक मिथिक भी आप लोगों को देखने को मिलता है, बट इन्हें मैंने कभी यूज़ वगैरह नहीं किया। उसके बाद गॉगल्स की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको दो ढेर सारे, बट मैंने कभी इन्हें यूज़ नहीं किया, तो भाई इन्हें भी एक तरफ पड़े रहने देते हैं। अब आते हैं मास्क में, तो भाई जो पहले नंबर का मास्क आप लोगों को देखने को मिल रहा है सिर्फ मैंने इसे ही यूज़ किया है आज तक के, इसके अलावा मैंने एक भी मास्क को यूज़ नहीं किया है। एंड मिथिक वगैरह भी मेरे पास पड़े हैं बट मैंने कभी किसी को यूज़ नहीं किया, सिर्फ जो हमारा पहले नंबर का मास्क है भाई सिर्फ उसे ही मैंने यूज़ किया है आज तक के, एंड वही वाला मुझे बढ़िया लगता है। अब शर्ट वगैरह की बात करें तो भाई यहाँ पे आप लोगों को दो देखने को मिल जाती है जो कि लेजेंडरी है, जो कि मैंने परचेस करी थी शॉप में जाके, बाकी यहाँ पे आप लोगों को कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। अब भाई आते हैं बैग्स की तरफ। तो भाई बैग्स में मुझे पर्सनली, मैं अपने पर्सनल फेवरेट आप लोगों को बैग बता देता हूँ। सो बैग में जो पहले नंबर पे आप लोगों को बैग देखने को मिल रहा है वो मुझे, मेरा एक पर्सनल फेवरेट बैग है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला बैग, बट इससे ज़्यादा भी मुझे दो बैग्स और पसंद है जो कि हमारा जो शार्क वाला बैग आप लोगों को दिख रहा होगा थर्ड नंबर पे, वो भाई मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इस वाली आईडी में एंड आज तक का मेरा सबसे फेवरेट बैग रहा है वो। एंड आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि मैं इसी बैग को यूज़ किया हूँ आधे से ज़्यादा वीडियोस में। एंड इसके बाद एक बैग फर्स्ट वाला, एक बैग ये थर्ड वाला, एंड जो हमारा फिफ्थ नंबर पे बैग देखने को मिल रहा है ये वाला बैग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाला बैग मेरे पास दोनों आईडीज में है, सो वो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं दोनों आईडी में इस बैग को यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। सो ये वाला बैग भी बहुत ही सही लगता है मेरे को। बाकी सारे बैग्स आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलते हैं नॉर्मली एंड उसमें ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगते, तो मैंने बाकी बैग्स को कभी यूज़ वगैरह नहीं किया ज़्यादा। ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे दो ऑर्नामेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसमें से मुझे एंग्री बर्ड वाला पर्सनल फेवरेट लगता है, तो मैं इसे ही यूज़ करता हूँ, सेकंड वाले को यूज़ नहीं करता। अब फाइनली चल लेते हैं गन स्किन्स की तरफ। तो M4 की चार गन स्किन्स आप लोगों को देखने को मिल जाती है मेरे पास जो कि रखी हुई है, एंड जिसमें से पहले नंबर की जो लेजेंडरी गन स्किन है जो कि एक अपग्रेडेबल स्किन है, मैं इसे ही यूज़ करता हूँ बिकॉज ये बहुत ही सही दिखती है भाई M4 में। इसके बाद AKM की ये वाली स्किन मैंने परचेस करी थी शॉप में जाके। M16 की मेरे पास बहुत सारी स्किन्स पड़ी हुई है, चार स्किन्स मेरे पास, टोटल पांच स्किन्स है भाई M16 की, एंड जिसमें से जो शुरू जो हमारी पहले नंबर की स्किन है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं उसे ही यूज़ करता हूँ। बाकी सेकंड नंबर की स्किन भी बहुत ही बढ़िया लगती है पिंक वाली। उसके बाद स्कारल की तरफ चले तो स्कारल की भी मेरे पास स्किन्स वगैरह पड़ी हुई है, जिसमें से पहले नंबर की जो लेजेंडरी स्किन है वो अगेन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सो मैं उसे ही यूज़ करता हूँ। ग्रोज़ा की बात करें तो सीज़न वाली स्किन आप लोगों को देखने को मिलेगी ग्रोज़ा में। ऑग में भी दो स्किन पड़ी हुई है जिसमें से मैं पहली वाली ही यूज़ करता हूँ, डाउनलोड भी नहीं करके रखा हूँ भाई ऑग की स्किन। तो M16 वगैरह में नहीं है स्किन। बैरल में भाई ये वाली स्किन मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड शायद मैंने इसे परचेस किया था शॉप में जाके, मुझे पर्सनली याद नहीं है कि ये वाली स्किन मैंने मेरे को कहाँ से मिली है। Kar98 की भी आप लोगों को कुछ स्किन्स देखने को मिल जाती है जिसमें से फर्स्ट वाली अच्छी लगती है एंड जो थर्ड नंबर की स्किन है ये भी मुझे बहुत ही सही लगती है। एंड उसके बाद आप चलते हैं M24 की तरफ। तो M24 की उतनी कुछ खास स्किन्स मेरे पास नहीं है जो कि सीज़न वगैरह से मिली वाली है, नहीं मिशन से मिली वाली है, वही वाली M24 की स्किन्स मेरे पास पड़ी हुई है। ओम की भी वैसा ही सीन है, सीज़न वाली स्किन मेरे पास पड़ी है एंड Win94 की वगैरह की कुछ की स्किन मेरे पास नहीं है। अब आते हैं SMG की तरफ। SMG नहीं भाई, हमारे DMR की तरफ आते हैं। तो DMR में भी मेरे पास कई स्किन्स हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी शो कर रहा हूँ। एंड इसके बाद फाइनली अब बढ़ लेते हैं हम लोग हमारी SMG की तरफ। तो SMG में भी मेरे पास बहुत सारी स्किन्स वगैरह इस वाली आईडी में पड़ी हुई है जो कि मैं आप लोगों को एक एक करके शो कर देता हूँ। UMP की ये वाली स्किन मुझे भी बढ़िया पर्सनली अच्छी लगती है एंड हमारे पास वेक्टर की दो स्किन है, दोनों ही मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है, तो मैं स्विच करता रहता हूँ जब भी मेरा मूड किया। एंड थॉमसन की भी स्किन है भाई, बाइजन की पर्सनली ये वाली स्किन बहुत ही सही लगती है मेरे को एंड इसे भी मैंने बहुत ज़्यादा दिनों तक के अपनी लॉबी में पकड़ के रखा है बाइजन को, जब ये स्किन मुझे मिली थी तब। एंड शॉटगन की भी एक स्किन मेरे पास है। पिस्टल वगैरह की भी स्किन्स मेरे पास इस वाली आईडी में पड़ी हुई है, पिस्टल की स्किन कभी नहीं मिलती बट इस वाली आईडी में मुझे पिस्टल की स्किन भी मिल रखी है एंड वो भी मैं अभी आप लोगों को शो कर देता हूँ। एंड पर्सनली भाई इस वाली आईडी में मुझे जो मेली की दो स्किन्स मिली हुई है मेली वेपन्स की, वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है एंड जो कि मैं अभी आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो मेली का जो ये वाला जो सिकल है वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा सही लगता है एंड ये वाला जो हमारा क्रोबार है वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है छाते वाला। एंड क्रोबार भाई जो है वो हमारे चार्ज आर्मर सेट के साथ बहुत ही सही लगता है एंड ये हमारी US के साथ भी पीछे मैच कर जाता है, तो मैं अब मोस्ट ऑफ द टाइम इसे ही इक्विप करके रखता हूँ अपनी जो इस वाली आईडी है उसमें। एंड फाइनली अब बढ़ते हैं पैन की स्किन तरफ। तो यहाँ पे तीन पैन की स्किन्स आप लोगों को देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मली ही है
एंड अब फाइनली बढ़ लेते हम लोग अपनी कार्स की तरफ। एंड मैं आप लोगों को फटाफट से अपनी कार्स की स्किन शो कर देता हूँ। सो भाई सबसे पहले निकल के आती है हमारी स्मूथ हिटमैन की US। एंड भाई बहुत सारे बंदों ने इस वाली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, बट हमें अगेन मिल गई है फ्री में ये वाली स्किन, बिकॉज हम लोग यूज़ करते हैं KR वर्जन। एंड बहुत ही सही लगती है भाई ये वाली स्किन। एंड ये दूसरी वाली US की स्किन शायद मैंने परचेस करी थी, मुझे याद नहीं है। एंड देख सकते भाई बहुत ही सही लगती है ये वाली US की स्किन। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सिडान की, मेरे पास ये वाली टॉक्सिक डासिया वाली स्किन जो रखी है, ये भी बहुत ही सही लगती है। एंड बहुत सारे बंदों को ये वाली स्किन जो है बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद मोटरसाइकिल की भी मेरे पास 3 स्किन्स पड़ी हुई है, जिसमें से मैं लास्ट वाली स्किन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सेकंड वाली भी मुझे अच्छी लगती है। एंड उसके बाद अदर्स में मेरे पास इस बस की स्किन पड़ी हुई है, बाकी इसके बाद मेरे पास कोई भी जो है हमारी व्हीकल की स्किन नहीं है। एंड अब फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग इमोट्स की, तो यहाँ पे मेरे पास 2 लेजेंडरी इमोट्स है, जो कि एक हमारा चार्ज आर्मर सेट का है, जो हमारा दूसरा वाला जो सेट मैंने आप लोगों को शो किया था, एक उस वाले सेट का जो है इमोट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो 2 ही लेजेंडरी इमोट मेरे पास पड़े हुए, बाकी सब नॉर्मल ही इमोट है जो कि आप लोगों को गेम में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे 3 प्लेन की स्किन्स भी पड़ी हुई है, जो कि अभी मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो ये वाली जो लेजेंडरी स्किन है ये भी बहुत ही सही लगती है, बट भाई अपना प्लेन कभी आता नहीं क्योंकि मैंने आज तक कभी रॉयल पास लिया नहीं है। सो ये प्लेन की स्किन मैंने कभी भी अभी तक के अपने प्लेन में देखी नहीं है। एंड अब फाइनली बात कर लेते हैं पैराशूट्स की, तो यहाँ पे मैंने पैराशूट्स वगैरह को फाइनली पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। सो फाइनली मैंने पूरे पैराशूट्स को डाउनलोड कर लिया। एंड ये वाला जो पैराशूट है ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट पैराशूट है, एंड इसे मैंने बहुत ही ज़्यादा मैचेस में यूज़ किया है। उसके बाद मैंने ये वाले पैराशूट को भी बहुत ज़्यादा मैचेस में यूज़ किया है, एंड इस वाले को भी मैंने कुछ मैचेस के अंदर यूज़ किया है। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को जितने भी पैराशूट मैंने यूज़ किए उन सभी को शो कर देता हूँ। सो ये वाला भी मैंने बहुत सारे मैचेस में यूज़ कर रखा है। एंड एक पैराशूट मैं अभी आप लोगों को शो करता हूँ, जो कि है ये वाला। इसे भी मैंने बहुत ही ज़्यादा मैचेस के अंदर यूज़ किया जब भी मैं KR वर्जन खेलता था। एंड बस भाई इतने ही पैराशूट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट रहते हैं, बाकी सभी पैराशूट्स को मैंने कभी यूज़ नहीं किया। इस वाले को भी मैंने कुछ मैचेस में यूज़ किया है, एंड ये वाला भी एक बहुत ही सही मुझे लगता था पैराशूट। सो बस इतने ही आप लोगों को चीज़ें मेरी आईडी में देखने को मिलती। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई मुझे पता है, बट भाई वीडियो को बनाना वर्थ था, बिकॉज मुझे ये वाली इन्वेंट्री आप लोगों को शो करनी थी। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर इसी तरीके की वीडियोज़ को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, मैं उस वाले टॉपिक पर वीडियो बनाने की जरूर से ट्राई करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए छोटी सा ट्रक साथ, गुड बाय। Bye.